holds. जब ब्रह्मा बाबा के शरीर का संस्कार किया गया था और अव्यक्त बाप दादा इस धरा पर प्रथम बार पधारे थे, तब बाबा ने कहा था, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति का अनुभव सबको कर्म में कराया, ऐसे ही आप भी कराओ। बहुत अच्छी प्रेरणाएं बाबा ने दी। चारों ओर वैराग्य का वातावरण था। सभी सोचते थे कि अब जल्दी ही समय की समाप्ति होगी, और जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, वैसे ही हम भी अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लें। जरा गौर करें, बाबा ने क्या क्या किया। उनका त्याग, तपस्या, समर्पण, मेहता, वैराग्य, ये सब तो रिमार्केबल थे ही, बहुत श्रेष्ठ थे। परंतु उनका अशरीरी होने का अभ्यास, जिम्मेदारियों में बहुत हल्के रहने की प्रैक्टिस, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, कर्म करते हुए सबके साथ रहते हुए भी देह से न्यारे, सबके लिए सुभावना, प्रेम बांटना, एक बाप बाप जैसे लौकिक में होता है, अपने बच्चों के लिए जैसी भावनाएं रखता है वैसी भावनाएं बाबा के अंदर भी सबके लिए थी। हम सब भी बाबा को फॉलो करेंगे। जैसे हम सब ब्राह्मणों का इफेक्ट दूसरों पर बहुत अच्छा पड़ता है, कोई हमें श्रेष्ठ चरित्रवान मानता है, किसी को हमारे यहाँ आकर ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति होती है, किसी को लगता है ये तो इस धरा पर स्वर्ग है, वैसे ही हम जहाँ भी रहें वहाँ सुंदर अनुभूति लोगों को कराएं। आप अपने गृहस्थ में हैं, ऑफिस में हैं, बिजनेस में हैं, आपकी स्थिति का प्रभाव दूसरों पर पड़ना ही चाहिए। चेहरा और चलन सुंदर अनुभूति कराए, लोगों को लगे कि जीवन हो तो ऐसा, खुशी हो तो ऐसी, सरल चित्त और तनाव मुक्त जीवन हो तो ऐसा, जीवन में शांति प्रेम हो तो ऐसी, परिवार में एक सामंजस्य हो तो इनके जैसा, ये प्रभाव पड़ना ही चाहिए। इसके लिए हमें बहुत अच्छी तपस्या भी करनी होगी, क्योंकि बिना तपस्या के श्रेष्ठ धारणाएं जीवन में आती नहीं है। धारणाओं का ज्ञान होना अलग बात है, पर धारणाओं को धारण करने की शक्ति होना भी परम आवश्यक है। तो याद किया करें, मैं भगवान की संतान, एक दिव्य आत्मा हूँ, देव कुल की आत्मा हूँ, मैं संसार से अलग हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जिनकी पालना स्वयं भगवान ने की है, मैं वो आत्मा हूँ जिसे परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ है, जिसे सत्य गाइडलाइन मिली है, भगवान ने स्वयं मार्ग दिखाया है परम सदगुरु बनकर। तो मुझे उन कुछ बातों पर ध्यान देना ही है जो बाबा हमें कहते हैं और हमसे कराना चाहते हैं। रोज हम सुनते हैं, अपने जीवन के लिए कोई 5 सुंदर बातें रख लें जिन पर हमें चलना है। जैसे कुछ भी हो जाए खुशी गुम नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए अपने संकल्पों को व्यर्थ की ओर नहीं ले चलेंगे, छोटी मोटी बातें आने पर टेंशन में नहीं रहेंगे, ऐसी कुछ धारणाएं दृढ़ता पूर्वक अपनाएं और अभ्यास करें। मैं फरिश्ता हूँ, आज सारे दिन का अभ्यास होगा, मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ते का अर्थ डबल लाइट, आत्मा भी लाइट, देह भी लाइट का, आत्मा भी लाइट, मन भी लाइट। तो आज सारा दिन अपने को कमलासन पर स्थित हुआ देखेंगे और ऊपर से बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मैं तो अवतरित हुआ फरिश्ता हूँ, सवेरे ही ये गुड फीलिंग स्वयं को दे देंगे, मैं तो इस धरा पर बाबा के कार्यों में सहयोग देने के लिए अवतरित हुई हूँ, हुआ हूँ, परमात्मा शक्तियाँ तो मेरे
पास है। आज फरिश्तेपन का अभ्यास 108 बार कर जाए सारा दिन।